बस्तर में जो हो रहा है, तो उसके पीछे कभी भी मैं मन में ये नहीं सोचती कि मेरे को इस लड़ाई को आप यहीं पर ग्रहण कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो मुझ में और उत्साह और ज़्यादा मुझे अंदर ताकत, ये सब चीज़ें होते हैं। अब जैसे महिलाओं के साथ बलम नेंड्रा पिद्दा गेलूर में जो एक मासूम लड़की है, छोटी सी बच्ची गाय चरा रही है, उनके साथ पुलिस कर्मी ने बलात्कार करना, महिला सोए हैं उनके बच्चों को पेक के बलात्कार करना, कई हमारे आदिवासी भाई साथियों को एनकाउंटर करना, जेलों में डालना, फर्जी सरेंडर करना, ये तो सिलसिला छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो कर रही है बहुत रफ्तार से कर रही है, फिर भी हम लोग उसमें जूझ रहे हैं, आप सब लोग यहाँ से। तो कुछ चीज़ें कम भी हो रही है, अब जब से मेरे अटैक के बाद से तो अब बहुत चीज़ें थोड़ी सी थम गई है, अब पता नहीं कुछ दिन के बाद फिर जारी हो सकता है, जिसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इस लड़ाई को छोड़ दें। तो ये है वहाँ की लड़ाई की स्थिति कि कैसे महिला इतना, अब ये बात ही खुशी होती है जो महिलाएं जंगलों में रहते हैं, जब मैं उनके साथ बलात्कार होता है मुझे बताते थे ऐसे कोने में जाके कि मैं मतलब ये हुआ हमारे साथ हुआ, इस तरह से हुआ है, तो मैं जब उनसे बोलती थी ये बातों का आप लोग बोलो, तो बोलते थे नहीं हमको शर्म आती, हम कैसे बताएं, हम नहीं बताएंगे। फिर मैं अपनी प्रताड़ना के बारे में फिर खुल के बताती, आप बताओ मेरे साथ ये हुआ तो मैं कैसे समाज में सब में लोगों में सरकार में और इतने बड़े जैसे पुलिस ऑफिसर है जो भी है उनके बीच में मैं जूझ रही हूँ, लड़ रही हूँ, तो आज मेरे को फख्र होता है, अच्छा लगता है आप सब लोग मेरे को सम्मान की दृष्टि से, तो आप क्यों शर्मा रहे हैं। तो अब वो महिलाएं बलात्कार के बाद भी अपने कपड़े रखते हैं, मेरा इंतज़ार करते हैं, सोनी सोड़ी आएगी और आके वो क्या बोलेगी, कैसे हम लड़ेंगे, क्या होना चाहिए। तो जब वो जाके मैं जाती हूँ क्या हुआ, पूरा कुल्लम कुल्लम बताते हैं कि हमारे साथ इस तरह से हुआ, ऐसे बलात्कार हुआ, हमारे तनों को ऐसे निचड़े, छोटा सा बच्चा है उनको हम दूध नहीं पिला पा रहे हैं, तन इतने सूजे हुए होते हैं, फिर उनको लेके हम एसपी के पास जाते हैं, कलेक्टर के पास है। तो मेरी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है कि उनको बताने की, वो क्या पहले मैं जब जाके आती थी और बताती थी सब ये बोलते थे सोनी सोड़ी तो अपने व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रही है, इसलिए वो बता रही है ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि अब इस लड़ाई को मेरे को कैसे वो करना चाहिए, फिर महिला जाके गाँव के महिलाओं से बोला कि देखिए मैं बताऊँगी तो मेरा कोई विश्वास नहीं करेगी, आपके साथ हुआ है तो आपको खुद बताना, लेकिन मैं आपके साथ कड़ी हूँ और मैं हमेशा रहूँगी, लेकिन बताना तो आपको पड़ेगा क्योंकि अत्याचार आपके साथ, आप जब तक नहीं बोलेंगे तो ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे। तो महिला इस तरह से अब इतनी जागरूक हो गई, वो खुद कोई शर्माती नहीं, कलेक्टर के अभी बीच में बलम नेंड्रा पिद्दा गेलूर में जब हुआ बलात्कार तो महिलाएं पूरी साड़ी उठा के दें, तो कलेक्टर बोलता ये क्या कर रही, मैं बोली सर वो बता रही है इस तरह से हुआ क्योंकि उनकी योनियों मिर्ची डाल रहे थे, वो खुल के बता दिया कि हमारे साथ ऐसे कर, तो कलेक्टर बोले शर्म नहीं आ रही, मैं बोले आपको तो गोंडी नहीं आती इसलिए आपको ऐसा लग, वो इशारे में बता रही है कि नहीं वो ऐसे भी तो बता सकते था, मैं बोले आपको तो गोंडी नहीं आती और क्या बोलने से इनको हिंदी नहीं आती है तो मैं बताऊंगी तो गलत हो जाएगा, हो सकता गलत बोल रहे हैं। तो उसके बाद वो ये इशारा से बता रहे हमारे साथ इस तरह योनी में मिर्ची डालने की कोशिश करते हैं, मिर्ची डालते हैं ऐसे हमारे साथ प्रताड़ना। तो आप ये सोच सकती है वो महिलाएँ आज जंगलों से निकल के मैदान में आके कैमरे के सामने अधिकारियों के सामने सबके साथ खुले मंच में बोल रहे हैं, तो इससे बड़ी मेरे लिए जीत क्या हो सकती है। और इस तरह वहाँ की महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, और जैसे वहाँ के भाइयों को जेल ले जाना एनकाउंटर उसके लिए भी तुरंत एकत्रित होते हैं, पर उनको ज़रूरत है कि वहाँ उसको लड़ने वाला नेता चाहिए, लीड करने वाला कोई बोलने वाला लोग चाहिए। इसीलिए बार बार हम लोग यही अपील करते हैं कि ऐसे तो बहुत आवाज़ देते हैं तो बाकी सब खड़े हो जाते, बस्तर में भी आए, बस्तर में भी उनके लिए आए और उनके साथ खड़े हो जाएं, तो देखो यहाँ की महिलाएं कैसी लड़ती हैं, उन लोग कैसे हैं, वो डरते नहीं हैं, लेकिन उनके लिए इस तरह क्योंकि वो अशिक्षित हैं बोल नहीं पाते, ताना जाते जरूर है पर उनको जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाते हैं, अब उनको हिंदी नहीं आती और जो वहाँ बैठे हैं पुलिस वाले उनको मतलब क्या गोंडी नहीं आता तो डंडों से भागते हैं। फिर जो एक नेतृत्व करने के रूप में बोलने वाला कानून को थोड़ा बहुत समझने वाला और खड़े रहें तो उनकी मजा लोग कुछ नहीं बोल पाए, ऐसे वहाँ खड़े नहीं होते हैं। बाकी और भी राजनीति नेता हैं और भी कुछ लोग साथी हैं वो खड़े नहीं होते क्योंकि इधर दुर्दारा डाल के अंदर करते हैं जो भी, तो हमको तो कुछ नहीं कर सकते, मैं तो साफ बोलती हूँ। अब और क्या करेंगे सर आप, या तो जेल डालेंगे या मार देंगे, मैं दोनों चीज़ से तैयार हूँ, आप जेल भी भेजिए तो भी मैं चले जाऊँगी, आप मार भी देंगे तो भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं आई हूँ इनके लिए, आपको जो चाहते, इनको पता है कि सोनी सोड़ी को जेल भी डाल दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं, वो मरने की आप अपनी अपनी ज़िंदगी की चिंता कीजिए, मेरी ज़रूरत नहीं है चिंता का, मैं तो तैयार हो के आ गई हूँ, 2.5 साल में मैंने बहुत जेला है जेल में और ये सब चीज़ मेरे को जेल में बहुत मजबूत होकर आई, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं और भी चेहरे
प्यार करने की और लड़ने की और वहाँ जरूरत है।